एक्सप्रेस में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपक पटौरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरी जन चौपाल लगाई। उन्होंने प्रदेश भर से आए हजारों लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी इस जन चौपाल में मौजूद थी। जन चौपाल भेंट मुलाकात के कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे राजनीतिक संपादक रूपेश गुप्ता ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरी बार भेंट मुलाकात करेंगे, जन चौपाल लगाएंगे। लोगों की लंबी लाइन, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग उम्मीदों के साथ पहुंचे हुए हैं। कुछ लोगों में गुस्सा है कि लंबी लाइन क्यों है, कुछ लोग उम्मीदों के साथ यहां पे पहुंचे हैं। आप बताइए कहां से आए हैं? जी मैं यहीं का हूं, रायपुर के। जी तो क्या समस्या लेकर के पहुंचे हैं? मेरी समस्या ये है, हर जगह मैं आवेदन देता हूं, मगर मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती है? सुनवाई किस किस की? शारीरिक कष्ट है मेरे को भारी। अच्छा, ये मशीनरी द्वारा चलता है, इसके रिमोट द्वारा। मैं दिखा रहा हूँ आपको आवेदन। चलिए ठीक है, आप अपनी शारीरिक समस्या को लेकर के पहुँचे हैं और आगे देख सकते हैं कि काफी भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। आप कहाँ से आए हैं? हम जसपुर जिले से आए हैं। क्या नाम है आपका? शिव कुमार यादव। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि क्या समस्या लेकर के आए? हम लोग आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद जसपुर जिला जो पत्थरगढ़ी क्षेत्र है आज तक विकास के कोसों दूर है, और विकास कार्य मांगने के लिए हम मुख्यमंत्री जी से मिलने आए हैं। अच्छा, क्या विकास कार्य? विकास कार्य कहीं पुल पुलिया सीसी रोड कभी बना ही नहीं है। वहाँ पे कौन सी जगह पे? पत्थरगढ़ी जसपुर जिले में जहाँ पत्थरगढ़ी की शुरुआत हुई है, आज तक सड़क बिजली पुल पुलिया किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ इतने लोग सारे लोग हैं। इसमें कोई आदिवासी भी है क्या? आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी हैं आप लोग। अच्छा, आप लोग भी वही समस्या लेकर? आपके साथ कितने लोग हैं? हम लोग 7 लोग आए हैं सर। अच्छा, इनके साथ कौन आया है? रेट बढ़ गए हैं, जब से सरकार बदली है तब से रेत और गिट्टी का रेट बढ़ गए हैं, जिसके चलते पूरा विकास कार्य ठप हो चुका है। और रेत जो 12,000 मिल रहा था, 16,000 18,000 मिल रहा है। रेत की समस्या, इसी को लेकर के शिकायत में कहाँ से आए हैं? खजान जनपद से आया हूँ। तो सुई खजान जनपद से आए हुए हैं आप? अच्छा, आप साथ में आए हुए हैं जी, बताइए। जमीन के बारे में परेशानी हो रही है सर, क्योंकि 5 साल से सीमांकन के लिए हम लोग घूम रहे हैं, और यहाँ तक नेतागिरी भी कांग्रेस का है, तो नेतागिरी भी कर रही, कांग्रेस की सीमांकन करने नहीं दे रहे हैं। अनिता शर्मा जी इसके लिए होने नहीं दे रहे हैं। साहू समाज वाले लोग उसको अड़ंगा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा नक्शा खसरा बी एन के कापी है। कहाँ की बात है ये? ये नकटी की है सर, ये फिर नवभारत में दे चुका है वाला। ये कौन सी जगह पे? ये डीआईपी रोड में माना कैंप के पास। जमीन की समस्या को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लंबी कतार है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। व्यवस्था को काबू में रखना बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, खासतौर से जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे रूबरू होने वाले हैं लोगों से, और पिछली बार की तरह काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा संख्या में, और बैरिकेडिंग, एक तरफ से रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ से रास्ते को एक एक करके प्रवेश करने दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बैठेंगे और सबसे इंटरेक्ट एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्या 4 घंटे हो गए? हाँ, लगभग 4 घंटे से खड़े हुए हैं। अच्छा, तो 11 बजे से जनदर्शन होना था? हम लोग ग्रुप में आए हैं कर्मचारी संघ की ओर से, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे हम लोगों को। हो गया सर, 6 बजे से आए हैं जी। सुबह 6 बजे से लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, हालांकि ये कार्यक्रम कहाँ से आए? महासमुंद से सर। ये कार्यक्रम 11 बजे से होना था, लेकिन जल्दी पहुँचने की उम्मीद में पहले आ गए आप लोग। उम्मीद पहले इसलिए कि पहले जगह मिल जाए जी, पहले जगह मिल जाए करके आए। 100 किलोमीटर दूर से आए, 6 बजे से लाइन लगाए हैं। बहुत बढ़िया, 6 बजे सर, कुछ 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। बोला तो बजा से आए हैं। कुछ लोकतंत्र सेनानी महिलाएं भी हैं जो पैरालिसिस है, और यहाँ व्हील चेयर की। लोकतंत्र सेनानी मतलब? लोकतंत्र सेनानी जो मिसा में अरेस्ट किए गए थे वो महिलाएं हैं, पैरालिसिस है। तो ये क्या डिमांड कर रही है? लेकिन ये तो व्हील चेयर में आए हुए हैं, आप क्या मांग लेकर के आए? मैं सर आवाज के लिए सर, घर के लिए परेशान हूँ, बहुत घर वर नहीं है कुछ, तो इस तो अलग अलग मांगों के साथ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैडम आप भी आई हुई हैं क्या? जी कहाँ से हैं? जी वो पवनी भी रहेगा। अच्छा, क्या मांग है तुम्हारे? अनुकंपा देखते। अच्छा, आज तक कोई आवाजें नहीं उठा। कहाँ, कौन रही से? वो लड़का रही से, शिक्षक, शिक्षक रही से। अच्छा, तो आज तक कोई आवाजें नहीं उठाया। तो ये एक बड़ी समस्या है, शिक्षा कर्मी जो थे उनका संविलियन तो हो गया, लेकिन पहले जिनकी मौतें हो गई, उनके परिजनों को कोई नौकरी नहीं मिली। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग क्या मांग लेकर के पहुंचे?
मैं अपनी पर्सनल समस्या से आई हूँ, मैं अपनी पर्सनल समस्या से आई हूँ निलंबन के कारण। क्या है आपका? मैं निलंबित हूँ सर, तो उसके उस नाम से आई हूँ। नहीं नहीं, किस डिपार्टमेंट में? शिक्षा विभाग में हूँ। शिक्षा विभाग, शिक्षक हैं आप? जी। तो शिक्षक है, ये धक्का मुक्की का आलम देख सकते हैं क्योंकि ग्रुप में भेजा जा रहा है और बाकी लोग भी लंबे समय से चूंकि लाइन पर लगे हुए हैं वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे आई हुई मैडम? हम लोग नगर निगम से आए हैं सर, यूनियन से एक साथ। हम लोग क्या मांगे? हम लोगों को 30 साल से प्रमोशन नहीं मिला है सर, यूडीटी है क्वालिफाई करते उसके बावजूद भी हम लोग तो ग्रुप में जाने दिया जा रहा है और अभी एक ग्रुप चला गया है और इसके बाद बाकी लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन पिछली बार की तरह लगता है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, मौसम में काफी उमस है, बादल छाए हुए हैं लेकिन धूप भी निकली हुई है, गर्मी भी है। लोग अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले और वो अंदर जाएं। लोगों में काफी समस्याएं लोगों की हैं जिनका समाधान वो चाहते हैं। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।